इस अचानक आई बाढ़ ने निचले क्षेत्र में तपोवन में धौली गंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, रूसी गंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल है। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं।